नमस्कार दोस्तों दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर बड़ी अपडेट आई है, तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस बनवाने का एक सुनहरा मौका है। रोडवेज विभाग ने आपको ये सुनहरा मौका दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आने वाले समय में सभी विभाग इसी प्रकार प्रशिक्षण देकर जो है वो अपनी जरूरत को पूरा करेंगे और जो युवा है उनका जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने का काम करेंगे। तो बिना एक्सपीरियंस वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है, रोडवेज विभाग के द्वारा एक्सपीरियंस दिया जाएगा। 8 से ज्यादा डिपो में ये ड्राइवर और कंडक्टर हेल्पर के 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आने वाले समय में जितने भी डिपो हैं हरियाणा में, चाहे वो चंडीगढ़, दिल्ली या इसके अलावा 22 के 22 जिलों में जो डिपो हैं, सभी जिलों में जो है वो यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी जो है यानी प्रशिक्षण के लिए रोडवेज विभाग के द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया है। सभी नोटिस आपको दिखाए जाएंगे किस प्रकार अब युवा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप हरियाणा या हरियाणा से जुड़ी किसी भी प्रकार के अपडेट की जानकारी अगर आप समय समय पर पाना चाहते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर एक अपडेट आपको चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी, तो चैनल साथ भी लगातार जुड़े रहें। तो जो अपडेट आई है उस पर मैं आपको ले चलता हूं। तो जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी की सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने जो पूरी जानकारी है वो भी वहां पर हमने बता रखी है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये आपकी पहली वैकेंसी जो है जो 5 दिन का प्रशिक्षण देकर जो युवाओं को लगाया जा रहा है, तो चंडीगढ़ में आपके लास्ट डेट 20/4/2022 रखी गई है। इसके अलावा आप इन सभी भर्तियों का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपको haryanaalert.com वेबसाइट दिख रही होगी, इस पे आप जो भी आपका जिला है या जिसमें भी आप आवेदन करने जा रहे हैं तो सभी जिलों की जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म हमने वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रखे हैं। जो साथी एप्लीकेशन फॉर्म लेना चाहता है वो हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकता है, हम उनको एप्लीकेशन फॉर्म है वो हाथों हाथ उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चालक, परिचालक और जो हेल्पर है उनके पदों पर ये भर्ती है। ये नोटिस आप कैथल का देख सकते हैं, कैथल में आपकी 18/4/2022 लास्ट डेट है। इसके अलावा चरखी दादरी में आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 तारीख रहने वाली है। सिरसा में आपकी लास्ट डेट 15/4/2022 रखी गई है। इसके अलावा भिवानी में आपकी लास्ट डेट जो है वो 15/4/2022 ही रखी गई है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं चरखी दादरी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ 19/4/2022 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर जो है वो युवाओं को कहा गया है। इसके अलावा ये आपका फरीदाबाद में भी वैकेंसी है, इसमें आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद में भी चालक परिचालक के पदों पर ये जो 5 दिन की ट्रेनिंग है उसके लिए यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर जो है वो दस्तावेज पंजीकरण प्रमाण पत्र से जो है ये आप देख सकते हैं सभी युवाओं को यहाँ पर जो है वो जमा करवाना होगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं जींद में भी वैकेंसी आ चुकी है, चालक परिचालक का जो है वो यहाँ पर लाइसेंस अगर किसी युवा के पास है या ITI किसी युवा ने जो है वो यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखी है रोडवेज विभाग में, तो उन सभी युवाओं का जो रोजगार निगम पोर्टल है उस पर इनको पंजीकृत किया जाना है। इसके लिए चालक टेस्ट और परिचालक के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग जो है वो इस कार्यालय के दौरान दी जाएगी, उसके बाद प्रमाण पत्र के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो है वो इनका पंजीकरण होगा। 15/4/2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, जो भी जींद के आसपास के युवा है वो अपने यहाँ पर जो है वो अपना दस्तावेज जमा करवा के अपना यहाँ पर ये 5 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आवेदनों की जो वरिष्ठता है वो इस कार्यालय से प्राप्त की गई डायरी नंबर के अनुसार जो है वो युवाओं को यहाँ पर रखा जाएगा। चालक परिचालक और हेल्पर के पदों पर यहाँ पर भर्ती है ये जींद डिपो में। इसके अलावा हिसार की आप वैकेंसी देख सकते हैं, 19/4/2022 इसकी लास्ट डेट जो है वो रखी गई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर जो है वो वीरियता दी जाएगी। चालक परिचालक और क्रमशाला स्टाफ की योग्यता यहाँ पर जो है वैकेंसी इन्होंने निकाली है। चरखी दादरी का ये नोटिफिकेशन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, ये चरखी दादरी का नोटिफिकेशन है जहाँ पर एक बड़ा बदलाव है कि जो परिचालक है उसके लिए
जहां पर 12वीं पास युवाओं को लिया जा रहा है, अन्य सभी जगहों पर 10वीं पास युवाओं को जो है वो लिया जा रहा है, परंतु दादरी में अगर आप जमा करवाते हैं तो वहां पर आपका जो है वो 12वीं पास आपका होना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं सभी युवाओं को इस प्रकार जो है वो चालक परिचालक के लिए यहाँ पर 5 दिन की ट्रेनिंग के साथ एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और इस एक्सपीरियंस के माध्यम से जो युवा है वो अपने आप को कौशल रोजगार निगम में जो है वो रजिस्टर कर सकेंगे, और आने वाले समय में कभी भी इनकी जरूरत होगी तो युवाओं को जो है वो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत रोडवेज विभाग में जब भी जरूरत होगी तो इन युवाओं को ले लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे इसको लेकर और कोई अपडेट आएगा आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।